हेलो दोस्तों, अगर आप 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम लेने की सोच रहे हैं तो आपके मन में एक बार ये बात जरूर आ रही होगी कि आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा होता है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो फ्यूचर में आप उसका ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, कौन से ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं जो कि हाई स्कोरिंग होते हैं, जिसका फ़ायदा आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो इनक्रीज कर जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बातें करेंगे कि क्लास 11th के आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरेना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया कि क्लास 11th में आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेना है तो आपका फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। लास्ट ईयर जो CBSE के टॉपर हैं वो खुद आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई की हैं, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट वीक होते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट के बारे में। देखो आर्ट्स स्ट्रीम अगर आप लेते हो तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 सब्जेक्ट में से जो 4 सब्जेक्ट होगा वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा और एक जो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट कहने का मतलब कि कुछ सब्जेक्ट का ग्रुप होगा, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। कुछ कुछ स्कूल में एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने का भी ऑप्शन होता है, सभी स्कूल में नहीं होता लेकिन कुछ स्कूल में ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लेते हो। तो एडिशनल सब्जेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट में आप पास हो तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। कहने का मतलब है टोटल तो आपको 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने होंगे, लेकिन अगर आप एक छठा सब्जेक्ट पढ़ते हो यानी कि एक एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो दोस्तों आपका टोटल हो जाएगा 6 सब्जेक्ट, लेकिन आपको 5 सब्जेक्ट में ही पास होना अनिवार्य होता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिल सकता है एडिशनल सब्जेक्ट लेने से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, और ऑप्शनल में मैं आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताऊंगा जो कि लेने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो अगर हम लोग कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उसके अलावा आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, ये सारे जो सब्जेक्ट आते हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट आते हैं। तो आप इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो, मान लो कि आप इसमें से सब्जेक्ट ले लिए, आपने हिंदी ले लिया, उसके बाद दोस्तों आपने जियोग्राफी ले ली, उसके बाद आप चाहते हो होम साइंस ले और आप ले लिए हिस्ट्री, तो 4 सब्जेक्ट तो आपने ले लिए। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट और चुनना होगा जो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में से चुनना होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं क्लास 11th के आर्ट्स स्ट्रीम में। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको कंप्यूटर साइंस आ जाती है, उसके अलावा दोस्तों आपको मैथ्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, उसके अलावा आप चाहो तो आप डांस ले सकते हो, म्यूजिक ले सकते हो, ड्राइंग ले सकते हो, उसके अलावा दोस्तों आप योगा ले सकते हो, और उसके अलावा आपको फिजिकल एजुकेशन भी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ 5-6 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग चुनना है कि आप क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे। अभी तक की तो बातें आपने सुन ली, अब जो मैं बताने वाला हूँ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको 7-8 कंपलसरी सब्जेक्ट के नाम बताए हैं और जो 5-6 मैंने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम बताए, ज़रूरी नहीं कि ये आपके स्कूल में ये सारे सब्जेक्ट एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हो और ये सारे सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि मैंने जो 7-8 कंपलसरी सब्जेक्ट के नाम बताए हैं आपके स्कूल में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट हो कंपलसरी के रूप में और ऑप्शनल के रूप में बस 2 ही सब्जेक्ट हो जिसमें से आपको एक चुनना होगा। तो सभी स्कूल में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है टीचर की कमी, क्योंकि दोस्तों अगर सारे सब्जेक्ट होंगे तो इस स्कूल में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर भी होंगे, इसीलिए सभी सब्जेक्ट सभी स्कूल में अवेलेबल नहीं होते। हो सकते हैं कि आपके स्कूल में फिजिकल एजुकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो,
डांस हो, म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, यही हो सकता है जो अपना सब्जेक्ट में जिसमें आपको एक चुनना होगा। हो सकता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके स्कूल में हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये हो। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, उसमें से आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा। कुछ कुछ स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि आपको उसमें 5 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, स्कूल वाले अपनी तरफ से ही 5 सब्जेक्ट फिक्स कर लेते हैं और जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट या फिर अदर स्ट्रीम के भी स्टूडेंट होते हैं उनको आंख बंद करके वही 5 सब्जेक्ट लेना होता है। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक आध दो सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप चुन सकते हो। आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हो। देखो अब मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन चुनना तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। देखो आप इंग्लिश सब्जेक्ट ले सकते हो, उसके अलावा दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हो तो आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तो इसका आप ज़्यादा फायदा ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप जियोग्राफी ले सकते हो, जियोग्राफी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो आपको हिस्ट्री लेना चाहिए। अगर आप गर्ल्स हो तो आप होम साइंस ले लो, होम साइंस में आप आगे जाके अच्छा करियर बना सकते हो। जब आप 12th पास करोगे तो उसके बाद आप बीए करोगे तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप ये सोच के चलना कि जो आप अभी सब्जेक्ट लोगे वही सब्जेक्ट आपको बीए में फिर से चुनोगे तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप उसमें हायर स्टडीज करके पर्टिकुलर उसमें करियर बना सकते हो अपना। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर हो सकता है, आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो गाइज हमने जाना कि क्लास 11th आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से मेन सब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन भी दिया जिसे अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट लेते हो, मान लो कि आप साइकोलॉजी लेते हो, आप सोशियोलॉजी लेते हो, हिंदी लेते हो, इकोनॉमिक्स लेते हो या फिर जो भी सब्जेक्ट आपके स्कूल में अवेलेबल है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब्जेक्ट लेते हो और अगर उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो दोस्तों आप उसमें एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। आप लोगों की बात मत सुनिए कि आर्ट्स स्ट्रीम में करियर ऑप्शन नहीं होता, आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लास 12th आर्ट्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन दे दूंगा, आप वो एक बार जरूर देखेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आप क्लास 12th आर्ट्स कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है आप टीचर बन सकते हैं, अगर आपको पुलिस में जाना है पुलिस में जा सकते हैं, अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है आप वो भी बन सकते हैं, अगर आपको आर्मी में जाना है आप आर्मी में जा सकते हैं, बैंक में जॉब कर सकते हैं, रेलवे में जॉब कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शन की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया हो कि क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट लेना आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहोगे, कमेंट में ये चीज़ करके जरूर बताइए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।